मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदीप मैथ्स पर। और जैसा कि आपको पता है कि अपने इसके अंदर एसएससी प्री की जो सीरीज स्टार्ट की है, इसके अंदर ऑलरेडी हम 5 पेपर कर चुके हैं। आज छठा पेपर करने जा रहे हैं, 6 पेपर अपने कर चुके हैं, सॉरी 7वां पेपर करने जा रहे हैं, जो 5 मार्च शिफ्ट 1 का है। और अगर एसएससी के 18 पेपर के अगर बारे में बात की जाए, तो सबसे बढ़िया जो सबसे टफ पेपर जो माना गया है, वो 5 मार्च शिफ्ट 1 का माना गया है। उस पेपर का देखते हैं अपने कैसे करेंगे, बहुत आराम से समझना इस पेपर को क्या है। इसका पहला क्वेश्चन देखो, आप क्या लिखा हुआ है, 16a की पावर 4 प्लस 36a² b² प्लस 81b^4 91, 4a² - 6ab प्लस 9b² का रिजल्ट है 13। तो रिजल्ट आपको बताना है 3ab का क्या होगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैं आपको यहाँ एक हिंट देता हूँ कि कैसे आपको ध्यान हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपने किए थे पहले जो शेप पेपर आपने किए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। अगर आपको आइडिया हो, जैसे मान लो क्वेश्चन है यहाँ 40 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, और इसके ये फैक्टर होते थे इसके, यहाँ क्वेश्चन में लिखा मान लो 5, तो क्योंकि इसका फैक्टर जो होगा 5 यहाँ होगा, तो ये क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट पे ही है। क्वेश्चन कैसे, देखो आपको पता है कि अगर यहाँ नंबर 16a^4 प्लस 36 ये लिखा हुआ है, तो इसके जो फैक्टर होंगे, एक होगा आपका 13 और दूसरा फैक्टर जो यहाँ होगा वो होगा आपका 7। जब ये 7 होगा तो ये नंबर इन दो में ब्रेक होगा, जिसके कारण ये तो आएगा ही आएगा 4a^2 प्लस 9b^2। अगर यहाँ आपको 36 करना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 6ab। आप इसे चेक कर सकते हो कैसे, इस नंबर को आप मान लो a, ये नंबर आपका a है और ये b है, तो a प्लस b, a माइनस b क्या हुआ, a² - b² जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका 72 जो प्लस होगा वो माइनस 36 से रिजल्ट आपका प्लस 36 शो करेगा। देखो वही तो क्वेश्चन है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3ab पूछा है, तो इसका मतलब इसमें से ये वाला नंबर अपने कर देंगे माइनस। जब आप ये नंबर माइनस करोगे, जब इसमें से ये नंबर माइनस करोगे, तो ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 6ab माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 12ab, जो किसके बराबर शो करेगा, 7 - 13 माइनस का 6। आपसे पूछा क्या है, 3ab पूछा, ये देखो 3ab कब आएगा, जब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये 3ab रिजल्ट शो करेगा -6/4। आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, -3/2, आंसर नंबर आपका है सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन कोई भी नया नहीं है, इसी को इस फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, भुजा ABC में, आप यहां बना लो इसे ABC, इसका मध्य बिंदु क्या है D। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, AC पर, भुजा AC पर E बिंदु इस प्रकार से है कि CE जो है वो 1/3 किसका है, AC का है, तो E पॉइंट अपने यहां ले लेते हैं। अगर ये 1/3 है तो ये कितना हुआ 1, और ये रेशियो में कितना हुआ 2। BE और AD को आपस में मिलाया जाता है, ये आपस में एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे मिलते हैं, G पॉइंट पे मिलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है AG और BD का रेशियो आपको बताना है, AG और GD है, ये AG और GD इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, AG और GD का रेशियो। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बोला वैसे शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका मास पॉइंट थ्योरम से होगा। जब आपके टॉपिक चलेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ आपको मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि इस जगह पर 20 kg है और यहाँ भी 20 kg है, तो ये अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ कितना होगा, ये 1:1 रेशियो होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब अगर यहाँ 20 है और इस जगह पर आपने 40 ले लिया तो रेशो आपका 2:1 होगा, लेकिन जब इसका बैलेंस करते हैं तो ये वाला रेशो यहाँ लिखा जाता है और इधर वाला रेशो इधर लिखा जाता है, कि 2:1 की जगह आप लिखोगे 1:2। अब यहां से देखते हैं, देखो माना कि मान लो कि इस पॉइंट पर आपने 20 kg लगा दिया, 20 हो गया, ये मिड पॉइंट है, 1:1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना हुआ, 20 हुआ,
क्लियर है, इस बेस पे बता रहा हूं आपको। अगर ये 20 है और यहाँ जो नंबर है देखो दो रेशो बता रहे हैं 20 को, तो ये कितना हुआ 10, इसका मतलब 10 यहाँ लिखा जाएगा। अब आप सोचो कि अगर ये 20 है तो यहाँ भी 20 और इसके हिसाब से यहाँ भी 20, तो ये वैल्यू कितनी होगी 40। और ये जो रेशो लिखा जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। अब जो रेशो बनेगा वो बनेगा 40 और 10 का, जिसका आंसर कितना आया 4:1। आपका हो गया आंसर, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सही होगा। दोबारा से समझ लो आप क्या है, अगर ये 20 है, मिड पॉइंट है, तो 20 20, ये इसका 20 इसका 20 है, 40 हुआ, ये रेशो है 20 का उल्टा हो जाता है इसके बेस पर, ये वैल्यू कितनी आ गई 10। ये रेशो इसको शो करेगा और ये वाला रेशो इसको शो करेगा, तो 4:1 आपका है आंसर। जब आपके टॉपिक स्टार्ट होंगे तो ये मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। डीआई में फिर आपको पता है 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन को पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है, अनुपात ज्ञात करें। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2014-15 में वस्तु ए के कुल निर्यात का 2011-15 में सी के कुल निर्यात से अनुपात आपको पूछा है क्या है। 2014-15 के डाटा देखो आप क्या है स्क्रीन पे, 425 और 400, सी के कितने 244 और 306, इनका रेशो पूछा है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 825, और इनको अगर अपने ऐड करें तो ये कितना हुआ 50 और 5, जैसे ले लो 200 300 500, और ये कितना हुआ 50 550। 825 और 550 का अगर अपने रेशो बनाए, लास्ट में अगर दो डिजिट आपकी 0025 50 75 है, तो इसका मतलब आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं। 25 × 2 कितना हुआ 50, 25 × 2 50, 25 × 3 75, और 7 और 5 फिर 75, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट फाइनल आपके पास क्या आएगा 3:2 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज रिलेटेड है। 24 संख्याओं का औसत है 56, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, 10, 11, 21 आपने कवर कर ली, 22, 23 और 24 में एक रिलेशन दे रखा है, लास्ट में आपसे पूछा है 22 और 24 का औसत क्या है। अगर आपको ध्यान हो इस तरह के पहले भी अपनों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बोला भी था कि सर ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ये पैटर्न थोड़ा समझ में ही नहीं आया। अगर आप इसको नंबर्स इनटू एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको डिविजन मेथड ही समझना है, उससे फिर दोबारा से समझो आप, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो 24 संख्याओं का औसत 56 है, 24 संख्या लिख दिया अपनों ने और यहाँ एवरेज लिख दिया 56, ये एवरेज हो गया आपका और ये हो गए नंबर्स। संख्या इनटू औसत योगफल होता है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। पहले आप देखो कि अगर 56 है तो इसका मतलब हर नंबर के हिस्से में कितना आ रहा है 56 आ रहा है, 71.7 है तो इसका मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, 56 और 14 70 होता है और 1.7 मतलब 15.7 आपका एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो ओवरऑल ये कितना ज्यादा हो गया 157। कितने नंबर आपने कवर कर लिए 10। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 11। 11 संख्याओं का जो औसत है वो 42 है, 42 इसकी तुलना में कितना कम है 14 कम है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 140 और 14 154, ये हुआ कम, ओवरऑल रिजल्ट कितना हुआ +3। इसका मतलब नेट डिविएशन जो है वो 0 होना चाहिए। आपने नंबर कितने कवर कर लिए, नंबर कवर कर लिए आपने 21। अब जो नंबर अपने लेके चल रहे हैं वो कौन कौन सा है, 22 नंबर है, 23 नंबर है और 24 नंबर है। ये कह रहा है कि इनका जो रेशो है उसमें ऐसा लिखा होता है कि ये नंबर इससे 9 कम है 5 ज्यादा है। अब रेशो दे रखा है ये कितना है 1/2 1/3 5/12। इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना हुआ 12, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 5। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो ये 15 की वैल्यू हुई। 15 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 56 तो हर किसी को मिल ही रहा है, 56 56 56, लेकिन यहाँ -3 आ रहा है +3 आ रहा है, तो यहाँ जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा -3, क्योंकि नेट डिविजन एवरेज में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब आप इसे सॉल्व करो, ये कितना है 18 16 168 -3, 15 का जो रिजल्ट है वो कितना हुआ 165, एक रेशो का मान हुआ 11।
लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 22वीं और 24वीं संख्या का औसत, 22वीं और 24वीं संख्या का एवरेज आपसे पूछा है इन दोनों का। इसका मतलब 6 और 5 का जो एवरेज आप निकालोगे तो मिड वैल्यू कितनी हुई, 5.5। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 11 से। 11 से जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55, 11 का आधा किया 5.5, जब आप इसे जोड़ दोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 60.5। ऑप्शन फर्स्ट आपका हुआ आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और लेकिन इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, आपको इसका एक्सप्रेशन, ये रिजल्ट आपको बताने हैं। आप पहले देखो इसको, मैं आपको ट्रेडिशनल भी बता देता हूँ, वैल्यू पुटिंग से बता देता हूँ। आपने जो पहले क्वेश्चन किया था 2-3 शिफ्ट पहले, उसमें ये क्वेश्चन 10 पहले था, सेक बाद में था। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक अगर अपने रिजल्ट देखें तो ये नंबर हुआ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक होता है तो वो 3ab शो होगा, प्लस 1। यहां अगर आपको ध्यान है कि जब कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कैसे, इसको लिखो आप, कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब आप प्लस करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, तो माइनस वाला लिखा जाएगा। इसका जो रिजल्ट आपने लिखा वो लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका रिजल्ट हमें पता है कि ये रिजल्ट क्या होता है, 1, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक होता है, 1 का क्यूब 1, प्लस 1 कितना हुआ 2। यहां से रिजल्ट कितना आया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, 1 प्लस 2। फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, 2/3 आपका हो गया आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, a माइनस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है और ये एक्सप्रेशन आपको देखना है कि अगर यहाँ पावर 4 है तो ये रिजल्ट आपका क्या लिखा जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सोचो कि अगर यहाँ क्वेश्चन sec और tan में होता है ये वाला एक्सप्रेशन, sec की पावर 4 माइनस tan की पावर 4, तो भी आपका रिजल्ट sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर होता है, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक होता है। अगर ये क्वेश्चन cosec और cot में होगा तो भी आपका प्लस वाला होगा, क्योंकि माइनस वाला होगा 1, क्योंकि साइन कोस में है तो प्लस वाला 1 हुआ, sec tan में माइनस वाला हुआ, cosec cot में माइनस वाला हुआ, मतलब इस जगह पर ये तीनों में ही कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, साइन कोस में, sec tan में और cosec cot में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा पैटर्न में भी आपको वैल्यू पुटिंग से समझाता हूँ, एक बार आप देख लो, समझ लो इसे। सेकंड देखिए आप, दूसरा देखो, आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। हमें पता है 90 में प्रॉब्लम है, अगर आप देखें कि क्या जीरो रख सकते हैं, टेन जीरो जीरो होता है, साइन कोस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, sec जीरो एक होता है, तो आप सबसे बेस्ट है कि आप वैल्यू रखो जीरो डिग्री, क्योंकि जीरो डिग्री रखते ही आपका टेन और साइन हो जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये रिजल्ट आपका जीरो हो गया, इसकी वजह से ये रिजल्ट जीरो हो गया, ये रिजल्ट जीरो हो गया, sec जीरो cos जीरो एक होता है, तो ये रिजल्ट कितना हुआ 1 प्लस 1, यहां से रिजल्ट कितना हुआ 1 प्लस 2। फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया, 2/3 आपका हुआ आंसर। आपको वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए, मेथड भी आना चाहिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। देखो अब आपकी डेट भी आ गई है, ऑफिशियल डेट आपकी आ गई है SSC की, 3-4 महीने बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। जो बच्चे इस सीरीज को बहुत अच्छे से करेंगे नो डाउट वो आगे निकलेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक नहीं है। तो आप, मैं देखता हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा लग रहे हैं जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, क्योंकि शुरू में देख लिया, 5 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, इससे कुछ नहीं होगा, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, बाद में फिर अपने अपने किस्मत को दोष देते हैं, पहले हम उस चीज़ को पढ़ते नहीं है ढंग से। जब आपको ये चीज़ क्लियर है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी आपके CHSL के 7-8 पेपर हुए थे, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, वो पेपर भी आपके होने वाले हैं 3-4 महीने के अंदर, मेरे आप फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पोस्ट इसमें डाल रखी है कब कब आपके ऑफिशियल डेट हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करो। यही सेम पेपर होता है, देखो आप SSC CGL का CHSL का
और सीपीयू का अगर पेपर का लेवल देखें तो 1921 का फर्क होता है। कोई पेपर आपके पास रखा हुआ है, आप देख के जज नहीं कर सकते कि सीजीएल का पेपर है या सीएचएसएल का पेपर है। फिर भी अगर आप लेवल वाइज बात करें तो सीएचएसएल का पेपर सीजीएल से अच्छा होता है, लेकिन पैटर्न लगभग सबका सेम है। तो इसलिए अगर आप इनको करो, इनको प्रैक्टिस करो, आप ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बार बार आप करोगे आपको एक आइडिया लगेगा। अब आपको जैसे ये क्लियर हो गया कि आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किए हुए हैं, एक दो शिफ्ट पहले भी ये क्वेश्चन आया था। पी क्यू आर के रिजल्ट दे रखे हैं और ये पूछे आपसे, आप इसे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में अगर आप पी क्यू आर को ध्यान से देखो, क्या अपने वाई जीरो कर सकते हैं? वाई जीरो कर देते हैं, बेस्ट रहेगा, कम कैलकुलेशन होगी। और एक्स को अपने ले लेते हैं एक। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ से P का जो रिजल्ट आया, वाई जीरो कर दो आप, वाई जीरो कर दिया, एक्स क्यू बचा ऊपर एक, नीचे वाई जीरो है, तीन एक्स वाई तो जीरो हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हुआ आपका एक। अगर Q की बात करें, Q जो होगा वाई अगर आप जीरो कर दोगे तो Q का मान भी आपके पास कितना आएगा, एक। R का मान अगर देखें, R का मान अगर आप वाई जीरो कर दोगे तो R का मान आपका हुआ एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर नीचे एक, तो ये रिजल्ट हुआ दो। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है P डिवाइड Q इंटू आर, एक को एक से डिवाइड करेंगे, एक दो से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया आपका दो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x बराबर एक और y बराबर जीरो रखने पर आपका आंसर दो आना चाहिए? पहला ऑप्शन जीरो हो जाएगा, गलत। सेकेंड ऑप्शन सही है, थर्ड आपका रिजल्ट एक बता रहा है, चौथा आपका जीरो बता रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन आपका बी इसका क्या है, आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीआई से रिलेटेड है। एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, उसी राशि का उसी दर से रेट आपको सेम रखना है 5 से 2/3 वर्ष के लिए। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे। देखो क्वेश्चन में 16 से 2/3% दे रखा है, 16 सही 2/3% सीआई की बात कर रहे हैं, और टाइम पीरियड आपको दे रखा है 3 साल। आपको पता है कि वैसे तो सीआई के क्वेश्चन करने के कई हैं, जैसे 16% 16% और 2%। पहले दो को मैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 या डबल डॉट इस कर लगा लो आप, लेकिन जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो आप इसको रेशियो से करो तो ज्यादा सही है। ये कितना हुआ 1/6, इसका मतलब 6 रुपए ये पी है, एक का ब्याज जुड़ने के बाद ये किस में चेंज हो गए, 7 में। ऐसा प्रोसेस कितनी बार आ, 3 बार आ। अगर आप डबल करोगे, दूसरे साल पे जाओगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप 3 साल पे जाओगे तो ये जो नंबर है 3 साल बाद ये लिखे जाएंगे आपके 216, इसका क्यूब ये कितना हुआ 343। ये आपका पी है और ये आपका अमाउंट है। अब आप देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, अगर इन दोनों का डिफरेंस लिखें तो ये कितना हुआ 7, 3 में से 1 गया 2, 127 आपका सीआई है। जो क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6350। अगर आप 6350 से इसका कॉम्बिनेशन देखो तो ये कितना हुआ, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 60 और 3 63। इसका मतलब ये जो पी है, ये वाला पी है, जब ये 50 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये रिजल्ट शो करेगा 216 × 50। ये क्वेश्चन में बना पी, लेकिन इसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जैसे 10% 3 साल का तो आप 30% लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आर टी कर देंगे। आर कितना है, पहले जितना है, सेम रेट लिखा हुआ है। 16 से 2/3% का मतलब 1/6, टी का मतलब 5 से 2/3 मतलब 17/3। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 18 और 216 के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये है 18 × 36। अब 17 और 12 × 5 60, 6 मान लो, 60 का 6 जीरो बाद में लगा देंगे, 6 17 × 6 कितना हुआ 102, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, आपका जो आंसर हुआ वो कितना आ गया 10,200 रुपये, ऑप्शन फर्स्ट आपका हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे समय कम लगता है, ओरिजिनल स्पीड से चले तो 192 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो सबसे पहले अगर बात करें,
ढाई घंटे कम लगते हैं, तो टी जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना रखा है 300, हमने ओरिजिनल स्पीड मान ली एस। अब ये कह रहे हैं स्पीड को बढ़ा देते हैं, आप स्पीड को बढ़ा दो 20। आपको पता है अगर नीचे की वैल्यूज ज्यादा होगी, अगर अंश सेम है ये ज्यादा होगा तो रिजल्ट कम होगा, तो इसका मतलब बाद में लिखा जाएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ढाई घंटे, मतलब यहाँ कितना आ रहा है 5/2। और आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 192 किलोमीटर को कवर करने में लगने वाला समय, तो इसका मतलब यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल समय होगा। यहां से अपने को एस का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एस का। सॉल्व करते हैं, देखो एस का मान कैसे आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ आपका 60, ये कितना हुआ 60, 60 आपका एलसीएम आ गया, सॉरी कॉमन आ गया 60। जब कॉमन होगा यहां देखो आप 1/s - 1/s+20, ये नंबर लिखा जाएगा 1/2। अब इसे सॉल्व करो, देखो s+20 - s, एस एस कट गया, ऊपर कितना आया 20, तो 60 × 20 s+20 - s, एस एस कट गया और 2 और आएगा यहां, और ये जो नंबर है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एक साथ कर रहा हूं, देखो दो स्टेप एक साथ कर रहा हूं, तो यहां क्या आएगा s × s+20। ये कितना हुआ 4 और 6 कितना हुआ 2400। 2400 को आपको इस पार्ट के अंदर ब्रेक करना है, अगर आप ध्यान से लिखो तो 24 को अगर इसमें चेंज करें तो 40 और 60 का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि 40-60 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 2400। 60 नंबर बढ़ा है तो इसका मतलब एस का मान यहां से कितना हुआ 40, नहीं तो एक क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व किया जा सकता है। इसका मतलब यहां रिजल्ट लिखा जाएगा 40, इसकी जगह 4 × 4 = 16, 4 और 8 = 32, एक के बाद पॉइंट, आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया 4.8 आवर्स। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डीआई से रिलेटेड है। 2012 से 14 तक ए वस्तु का कुल निर्यात, स्क्रीन में देख लो आप, ये नंबर है 225, 370, 425। 2015 में सभी चार वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है, देखो इसको ऐड करते हैं, 200, 300, 500, 400, 900, ये कितना हुआ 50 और 70, 120, 900 और 120, ये नंबर हुआ 1020। 400, 200, 600, 300, 900, 2, 1100, 15 और 75, 1190 आपका ये रिजल्ट हुआ। ये इससे कितना कम है, ये देखो इससे कितना कम है, 90 में से 20 गए 70 और ये कितना आया 1, इसका मतलब ये 170 जो है वो 1190 का कितना प्रतिशत है, कितना कम है। देखो आप ये पूछा आपसे, अगर आप ध्यान से देखो 0 से 0 कट गया, 17 × 7 क्या होता है आपका 119 होगा, 1/7 जो होता है वो 14 point something होता है, 14 point, क्योंकि 14 × 7 कितना होता है 98 होता है, 14 point something% आएगा आपका। ऑप्शन बढ़ो आप कौन सा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 से रिलेटेड है। x²-2√5x+1=0 power 5 के रिजल्ट आपसे पूछे हैं। ये बच्चे जो ऑफलाइन में से पढ़ते हैं उनको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हुए हैं क्लास के अंदर। 5 वाला कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। पहले सबसे पहले अपने लिखेंगे x²+1/x², यहाँ लिखेंगे x³+1/x³। देखो इसे सॉल्व करो, ये कितना है x⁵, सही है, यहाँ 1/x एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ x एक्स्ट्रा आ रहा है और नीचे ये कॉम्बिनेशन सही है। ये 6 नहीं होगा, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ती हैं, इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा हुआ x+1/x, तो उसका बैलेंस करने के लिए वो कर देंगे अपने माइनस। जब आप माइनस करोगे इसमें से ये वाला तो आपको ये रिजल्ट शो करेगा। अब आप देखो कि ये रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड करते हैं। जब आप x से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका x+1/x, ये रिजल्ट हुआ आपका 2√5। यहां से ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट लेके आना है, इसका मान अपने को पता ही है।
जब ये रिजल्ट लेके आते हैं, जब एक्स से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लेके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो ये जो नंबर होता है ये होता है राइट साइड का स्क्वायर माइनस टू। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 2√5 का स्क्वायर माइनस टू। ये फाइनल कितना हुआ, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 माइनस दो कितना हुआ 18, इंटू x³ + 1/x³। इसका मतलब इसका क्यूब, अगर आप इसका क्यूब करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका क्यूब, देखो आप 2√5 का 2 × 2 = 2 कितना हुआ 8, ये हुआ 5√5 मतलब 40√5 माइनस 3 × राइट साइड ये कितना हुआ 6√5, तो ये कितना हुआ 34√5 माइनस ये वाला एक्सप्रेशन कितना बता रहा है आपको 2√5। जब आप 18 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540, 18 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 72, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये रिजल्ट शो होगा 612 में से 2 माइनस किए, फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 610√5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सेकंड। दोबारा से समझ लो आप क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपने ब्रेक किया स्क्वायर और क्यूब में, क्योंकि जब बेस सेम होती है पावर जुड़ जाती है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर और ये नंबर आपको मिल रहा है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स्ट्रा है, तो ये कर दिया माइनस। जब आप एक्स से ये एक्स स्क्वायर लेके आते हो तो इसके स्क्वायर में माइनस टू करते हैं, और अगर यहाँ कोफिशिएंट होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आपको आइडिया लग रहा होगा। जब आप क्यूब करेंगे तो इसके क्यूब में माइनस 3 × राइट साइड होगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab होता है उसमें, ए प्लस बी। अब आप देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे 4 × 5 = 20 माइनस 2 कितना हुआ 18, इसके क्यूब में से ये माइनस किया, आगे तो मल्टीप्लाई है, नॉर्मल है, समझ में आ गया होगा। देखो अब आपको बहुत आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, बस प्रैक्टिस करते चलो करते चलो, एग्जाम आने वाले हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी है डायगोनल, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, उसके स्क्वायर का एरिया बताना है जिसका एरिया पहले के एरिया का डबल है। देखो वर्ग ए बनाया अगर आपने स्क्वायर ए, इसका डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल दे रखा है ए प्लस बी विकर्ण, आपको क्या करना है एक बी और बनाना है जिसका एरिया जो है इसके एरिया का डबल है, इसके डायगोनल पर एक वर्ग बनाना है, डायगोनल पर उसका एरिया आपको बताना है क्या होगा। देखो आपको पता है कि एरिया जो होता है, जो वर्ग की बात करें वो भुजा का स्क्वायर भी होता है और 1/2 d² भी होता है, विकर्णों का गुणनफल, वो रोम्बस में d1 d2, इसमें dd होगा सेम। तो ये जो एरिया हुआ इसका एरिया, मान लो एरिया आपका ए है इसका, ये क्या हुआ 1/2 d² ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये तरह इस स्क्वायर में इस स्क्वायर का जो एरिया है वो इसका डबल है, अगर ये डबल है तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा ये तो बढ़ जाएगा इससे, ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, जो 1/2 d² होगा, इसका कोई और डायगोनल होगा, इसको आप d से लिख दो। यहां से d का जो रिजल्ट आया वो आया √2a + b। आपको क्या करना है कि इस डायगोनल पर एक स्क्वायर बनाना है, इस डायगोनल पर एक स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे उसका एरिया आपको बताना है क्या होगा, इसका उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर होगा अगर बात करें 1/2 d², लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो आप, ये डायगोनल जो बना है दोबारा से समझो आप, इसका जब आप इसका वर्ग बनाओगे इस पर तो इसकी भुजा ये हुई, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, या तो भुजा का स्क्वायर होता है या 1/2 d² होता है, इसका मतलब ये जो है वो नेक्स्ट स्क्वायर जो आप बना रहे हो उसकी साइड है ये, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर 2a + b का होल स्क्वायर आपका हुआ आंसर। देखो इस शिफ्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मतलब पहले वाली शिफ्ट की तुलना में अच्छे क्वेश्चन है, और इसीलिए इस क्वेश्चन इनको थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डीआई से रिलेटेड है। 2010, 12 और 14 में वस्तु डी का कुल निर्यात, 2011 और 12 में सभी चार वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना परसेंट है। 10, 12, 14 में डी का टोटल कर लेना आप, 11, 12 में सबका टोटल करेंगे, 8 वैल्यू का टोटल करना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, मान लो आपकी जगह मैं होता, मुझे ये क्वेश्चन करना होता, ये क्वेश्चन मैं करता लास्ट में अगर मेरे पास टाइम होता, अगर नहीं होता तो मैं नहीं भी करता इसे।
जब आप इसे पूरी कैलकुलेशन है जब आप इसे सॉल्व करेंगे रिजल्ट इसका आएगा 44%। ये आप खुद करोगे, ये आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है लास्ट के अंदर, कैलकुलेशन है। जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे वैसे ही मैं करूंगा। देखो कुछ आपसे अभी पार्ट वन के अंदर हमने इसी इतने 12 क्वेश्चन लिए हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन में अभी कुछ डिस्कस करने जा रहा था कि आप जैसे हमने कोई वीडियो जैसे स्टार्टिंग में बनाई उसके पार्ट वन और पार्ट टू बनाए हैं, फिर मैंने दो तीन पेपर के अंदर उसके चार, एक में पांच पार्ट और एक में चार बनाए हैं। आप लोगों की क्या इच्छा है कि दो ही पार्ट के अंदर पेपर आना चाहिए या चार के अंदर आना चाहिए? जो भी हो आपकी जो भी क्वेरीज हो वो मेरे को जरूर बताना आप अपने कमेंट के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। आप देखो यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक की कोई कमी नहीं है, आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लो आपको दुनिया भर के टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट कंटेंट्स मिले और बेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर आप मतलब ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, तो यही वो प्लेटफॉर्म है जिस पर एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा, फालतू का कुछ नहीं कराया जाएगा, लेकिन आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। जो भी आपको पूछा जाता है कम से कम आप अपना प्रेजेंस उसके अंदर शो किया करो, आप कमेंट के थ्रू ये बताया करो कि सर मैंने ये क्वेश्चन किए, मेरे को ये डाउट आ रहा है, मुझे भी एक आइडिया लगे कि आप लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और कैसे इस चीज़ को बेस्ट करें। तो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपकी इससे रिलेटेड क्वेरीज होगी, आप क्या चाहते हैं कि वीडियो कैसे बननी चाहिए, आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताना। आज के दिन में आज हम एक ही वीडियो इसकी कर रहे हैं क्योंकि पेपर थोड़ा ये टफ मान लो टफ शिफ्ट मानी गई है एसएससी की, तो इतना टफ है नहीं ये। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आज इसका एक ही पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट।